रानी लक्ष्मी बाई ग्रुप है और हम आधा फुल और ओती चट्टान कॉमिक्स का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। इस कॉमिक्स के जो पात्र हैं वो अपना परिचय आपके सामने देंगे। मैं दाना चट्टान, मैं विवेक हूँ, मैं पायल हूँ, मैं इस बात इस कहानी का पात्र अभय हूँ, मैं खुदी लाल हूँ, मैं रानू हूँ। तो आप इस कॉमिक्स के पात्रों से मिले। अब हम इस कहानी का जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रारंभ करेंगे। ये बदलीपुर गांव का एक सीन है जहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान है और वहाँ एक अफवाह उड़ी हुई है कि बदलीपुर में एक बड़ा चट्टान आ गया है, दानव चट्टान, और वो कुछ तबाही करने वाला है। चलिए देखते हैं गाँव में क्या हो रहा है। बदलीपुर वालों बच्चों, मैं चट्टान, मैं हूँ चट्टान जो सबको खा जाऊंगा। एक बार में मैं सबको बर्बाद कर डालूंगा। चुप रहो, सवाल पूछूंगा चार, गलत जवाब मतलब बर्बादी, तबाही। तैयार हो जाओ तुम लोग मेरे सवालों के। हम पूछेंगे चार सवाल और सबका जवाब तुमको देना होगा, हा हा हा, और नहीं तो बर्बादी के लिए हो जाओ सब तैयार। पहला प्रश्न क्या होगा? तो तैयार हो? चलो पहले प्रश्न का उत्तर बताओ। फिल्मों का हीरो लंबा गोरा बाड़ी काला होता है और हीरोइनें लंबे बाल वाली, बेदाग चेहरा, गोरे रंग, पतले, ये सब लड़के लड़कियां अगर करेंगी, हीरो हीरोइनों की तरह बनना चाहेंगे, ऐसा सही है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सही है। क्यों मुझे हीरो की जैसी बाड़ी वाला पड़ता है? मेरा मैं जैसा भी हूँ ओरिजिनल हूँ, मुझे अपने अंदर की क्वालिटीज को फिल्टर करना है। मुझे किसी के जैसा क्यों बनना? जो उसमें क्वालिटी होगी वो मेरे अंदर नहीं होगी, जो मेरे अंदर है वो उसमें नहीं होगी, इसलिए मुझे अपनी क्वालिटी को डेवलप करना है, किसी हीरो के जैसा नहीं बनना है। अगला सवाल सुनो। राम ने श्याम को देखा और पूछा, वाह क्या बात है, क्या बॉडी है, मेरे को ऐसे नहीं है, क्या राम को ऐसे ही तुलना करनी चाहिए? जल्दी बताओ, याद रखना जवाब बर्बादी। मैं पायल हूँ, मुझ पर भी गोरेपन का बड़ा प्रेशर था, लेकिन एक बार मुझे भी बहुत ही सोचना पड़ा, फिर मैंने थोड़ी देर बात सोचा कि क्यों ना मैं इसमें क्यों टेंशन लूँ, मैं जो हूँ जैसी भी हूँ वैसी हूँ, मुझे शूटिंग करना अच्छा आता है तो मैं शूटिंग करके दिखाऊंगी, ये मेरे अंदर क्वालिटी है, तो मैं मॉडल जैसे कि बनने के लिए मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूँ, क्यों समय बर्बाद करूँ, मैं जैसी भी हूँ वैसी हूँ, अच्छी हूँ। चलो सही कहा, तीसरा प्रश्न, तैयार हो जाओ। विज्ञापनों और फिल्मों में दिखने वाले हीरो हीरोइन ऐसे क्यों दिखते हैं? मेकअप के कारण दिखते हैं वो, हमें जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता है, और वो विज्ञापन में ऐसा दिखाते हैं जिससे हम उनका प्रोडक्ट खरीद लें, जिसमें हम अपना समय अपना पैसा दोनों का नुकसान करते हैं। ईश्वर ने हमें जो दिया जिस रूप में दिया उसे हमें संतोष करना चाहिए। अच्छा बदलीपुर वाले बच्चों, मेरे चौथे प्रश्न के लिए हो जाओ तैयार।
मैंने एक बार किसी से पूछा, तुमने क्या वजन कम किया है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या कुछ मुझे पूछना चाहिए, ऐसा है क्या? क्यों कही तुमने ये बात? तुम इतने बड़े दानव हो और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि किसी के लुक्स पर कमेंट करने से क्या होता है। हाँ, लगता है तुम्हें मेरी जान, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, ऐसी बातें मुझसे कर रहे हो, मैं बर्बाद ही कर दूंगा सबका। अच्छा दानव, इतने बड़े दानव हो और इस तरीके से बोलते हो, एक तो गलत बात करते हो और ऊपर से धमकाते हो। एक बार मेरे चाचा ने मुझसे कहा था कि बॉडी लुक्स को देखकर मुझ पर कमेंट किया था, तो मेरा सारा ध्यान अपने बॉडी लुक्स के ऊपर चला गया और मैं सारा दिन आईने के सामने खड़ा रहता था कि अपने आप को कैसे संवारूं, कैसे अपने आप को सुंदर दिखाऊं, और मेरी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छूट गई। अदरक भी चाचा के कमेंट को सुनकर वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी बॉडी लुक्स की तरफ ध्यान देने लगा, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि ये करना सही नहीं है। तो सुन लो दानव, तुम्हें भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी के भी बॉडी लुक्स पर कैसा भी अच्छा या बुरा कमेंट नहीं करना चाहिए। अरे तू तो गजब का लड़का निकला रे, सबको सब बहुत अच्छी तरह से, तुमने तो थोड़े शब्दों में पूरी पूरी कहानी उधर आ ली है। हाँ बदलीपुर वाले बच्चों, मैं तुम्हारे गांव से भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, तुम सब चैंपियन हो, मैं भाग जाऊंगा। हा हा हा।